तो हेलो एवरीवन, सबको एक बार फिर से हेलो हेलो। तो अभी हम लोग यहाँ से आपको सूर्योदय दिखाया हमने, और सूर्योदय के बाद में हम लोग रेडी होकर निकल गए हैं कोणार्क सन टेम्पल के लिए। तो अब हम आपको दिखाएंगे कोणार्क सन टेम्पल पूरा एकदम एनर्जी से भरपूर। खुशी खुशी हम लोग जा रहे हैं, आप देख सकते हैं शीतल एकदम खुश है और एकदम बहुत ही एक्साइटेड है और बहुत मस्त हम लोग जा रहे हैं। शीतल ड्राइव कर रही है, आप देख सकते हैं पूरा ट्रैवल पूरा ड्राइव उसने ही किया है। और ये देखिए यहाँ पे एकदम हम लोग जिधर से निकल रहे हैं कोणार्क में एंट्री कर रहे हैं, चंद्रभागा बीच की तरफ से कोणार्क की तरफ जा रहे हैं अभी हम। तो इतना खूबसूरत मौसम है यहाँ पे, एकदम साफ़ सुथरा, इतना चौड़ा रोड एकदम खाली दिख रहा है, आसमान एकदम नीला है बड़े बड़े बादलों के साथ में, सब कुछ बहुत अच्छा है। अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं, बट हाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने यहाँ पे कार पार्क कर दी है, भीड़ के साथ साथ गर्मी भी है, दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि आई थिंक ये टूरिस्ट ट्रैवलिंग टाइम है लोगों का, तो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, दशहरे की छुट्टियाँ चल रही हैं लोगों की, तो इसलिए। तो आप हमारे साथ में, आप चलिए हमारे साथ अंदर, अभी हम आपको दिखाएंगे कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल से पहले अभी यहाँ पे एक म्यूज़ियम बन गया है, पहले नहीं था ये म्यूज़ियम, 7 ईयर्स पहले नहीं था, और अभी तो यहाँ पे म्यूज़ियम बन गया है, बड़ा बड़ा कॉरिडोर दिख रहा है सब कुछ यहाँ पे। तो अभी आप हमारे साथ चलिए, चलते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी की बोतल साथ रखें। गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत तेज़, आंखें खुल नहीं रही हैं, आप देख सकते हैं हम लोगों की क्या हालत हो रही है। हम लोगों ने जिस तरह से खुद को कवर किया उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्मी बहुत है। और अब यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं अंदर, जहाँ पे मैंने आपको बताया था म्यूज़ियम है। मेरे लिए भी पहला अनुभव है ये म्यूज़ियम जाने का, तो अभी हम लोग चलते हैं म्यूज़ियम के लिए। ये देखिए ये नया म्यूज़ियम बना है, यहाँ पे कोणार्क की छवि दिख रही है आपको, चक्र दिख रहे हैं एकदम एंट्री पे ही। यहाँ पे पूरा ये सब दिखाया है, और आप अगर आ रहे हैं यहाँ पे तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे है 50 रुपये की टिकट, और कैश रखिएगा यहाँ पे। जीपे में बहुत प्रॉब्लम है, पहले तो जीपे लेते नहीं, और अगर लेते हैं तो आपका नेटवर्क का बहुत इशू है। टिकट लेने के बाद में हम लोग अभी जा रहे हैं अंदर। तो यहाँ पे पूरा मैप दिखाया है, भारत का नक्शा, फिर उसमें उड़ीसा का नक्शा दिखा रहे हैं, उड़ीसा के बाद में फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है पुरी एंड भुवनेश्वर। तो यहाँ के सारे जितनी भी चीज़ें हैं, भौगोलिक ज्ञान यहाँ पे दिया जा रहा है उड़ीसा का, और कौन कौन से मंदिर यहाँ पे फेमस हैं, सभी मंदिरों की कलाकृतियाँ हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। मंदिरों के बारे में आपको डीप डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जो पहले नहीं मिलता था किताबों के अलावा, बट अभी आप यहाँ आते हैं तो देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कोणार्क टेम्पल की यहाँ पे एक रिप्लिका बनाया है, पूरा स्टैचू बनाया है, जिसको देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि एक्चुअल मंदिर कैसा था और अभी कैसा है। तो ये बहुत ही खूबसूरत है। और ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो टेम्पल्स दिखाए हैं सारे, ये सब भुवनेश्वर के टेम्पल दिखा रहे हैं कि भुवनेश्वर में कौन कौन से 84 योगिनी हैं जैसे। तो ऐसे कर करके ना बहुत सारे टेम्पल के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे आएंगे तो आपको और आइडिया लगेगा कि आप कौन कौन सी जगह पर आप जा सकते हैं और कितनी हिडन जगह हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं, जिनको हम देख भी नहीं पाते, तो आप वहाँ जा कर देख सकते हैं। कहने को तो उड़ीसा पूरा मंदिरों का ही शहर है, और हर शहर अपनी एक कहानी है। भुवनेश्वर जो है वो भी मंदिरों का शहर है, इतने सारे मंदिर हैं कि आपको भुवनेश्वर के लिए ही 2 दिन चाहिए। तो आप देखिए सारी यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, अलग अलग मंदिरों का सारा डिस्क्रिप्शन, लिंगराज मंदिर का भी डिस्क्रिप्शन है, ये पूरा ही लिंगराज मंदिर का देख सकते हैं आप। ये जगन्नाथ जी हैं, इनको तो भाई सब जानते ही हैं। तो यहाँ पे ये पूरा मंदिर का प्रतिलिपियाँ बनाई हुई हैं, ये बहुत अच्छा है अंडरस्टैंड करने के लिए। अब आप आगे जाएं तो यहाँ से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अगर आप यहाँ से जाके दूसरी जगह जा रहे हैं तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, जहाँ पे आप बाद में जा सकते हैं इजीली, जो हमें पता भी नहीं होती वो यहाँ पर दिखाया है पूरा। बहुत सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर, ये सब स्टैचू दिख रहा है ना आपको, मंदिर का स्टैचू है,
आगे इतने खूबसूरत खूबसूरत। और जो ये अवस्था देख रहे हैं ना आप, ये तीन मूर्तियां जो ब्लैक कलर की देख रहे हैं, ये सूर्यदेव की मूर्तियां हैं, जो आपको सूर्यदेव का एक रूप दिखाएंगी, उनका बालपन और उनका यौवन और उनका बुढ़ापा। इस तरह से तीनों मूर्तियों का एक प्रॉपर वो बनाया है यहाँ पे, एक स्टोरी दर्शाई है कि किस तरह से हमारा जैसे जीवन चलता है वैसे ही सूर्यदेव का यहाँ पे पूरा दिखाया है ये तीनों स्टैचू के थ्रू। बहुत ही खूबसूरत है, तो ये देख के भी बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे ये स्तंभ दिखाया हुआ है पूरा, ये ऐसा पुरी में भी है, तो ये शायद पुरी वाला है या कौन सा, ये मेरे को समझ नहीं रहा है। अरुण स्तंभ ये पुरी वाला ही है शायद, हाँ, जहाँ पे हम टच करके ही भगवान जी के मंदिर में जाते हैं। और ये देखिए शिल्पकारों की, जो यहाँ पे जैसे जो यहाँ पे राजा ने मंदिर का निर्माण करवाया था, तो वो उनका यहाँ पे पूरा कारीगरी करते हुए चित्रण है। मतलब यहाँ की काफ़ी सारी, काफ़ी हद तक पिक्चर देख के आप बहुत सारी चीज़ों को आइडिया लगा सकते हैं। 64 योगिनी, और ये देखिए कितनी खूबसूरत खूबसूरत कलाकृतियाँ हैं यहाँ पे, जो आपको बहुत पुराने समय में ले जाती हैं कि हमारा हमारा भारत देश कैसा रहा होगा बहुत पहले, लोगों की जीवन शैली क्या रही होगी, कैसे जीते थे वो लोग। तो यहाँ पे हर छोटी छोटी चीज़ में उसको ब्रीफ किया है, तो आप देखते रहिए मेरे साथ में। पूरे उड़ीसा में आप बहुत सारे मंदिर देखेंगे, तो आपको इस तरह के कुछ अश्व, मतलब जो घोड़े हैं वो देखने को मिलेंगे, घोड़ों का स्टैचू देखने को मिलेगा आपको, देखिए है ना। तो ये घोड़े और शेर जितने भी हैं, जितना मुझे यहाँ पे बताया कि पावर का प्रतीक है, और हमारे जो पुराने राजा महाराजा और हमारे वंशज रहे हैं उनका एक पावर का प्रतीक रहा है घोड़ा और शेर। और ये देखिए छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर बनाया गया है। मुझे लग रहा है कि जैसे यहाँ पे कोणार्क मंदिर बहुत ही भव्य है, उसके साथ साथ ये जो म्यूज़ियम बनाया गया उसमें भी काफ़ी चीज़ों को बहुत हद तक बहुत ही खूबसूरत बनाया है, जो रियल लगती है एकदम। ये देखिए ये बाली यात्रा, ये आपने अगर रामायण देखी होगी, मतलब जो हम बचपन में रामायण देखते थे तो उसमें रावण का जैसा एक रथ होता था, बट ये जो रथ है मुझे बाली यात्रा की याद दिलाता है कि बाली यात्रा एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है जो उड़ीसा में मनाया जाता है। लोग नाव में बैठ के दूसरे देशों में अपना बिजनेस के लिए जाते थे, तो उसी का एक प्रतिरूप यहाँ पे दिख रहा है। और उसके बाद में हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, ये प्रोग्राम चल रहा है अंदर एक छोटा सा पिक्चर देखने, तो आप भी मेरे साथ बने रहिए, ये पिक्चर देखिए तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। आज हम वारंगल के नाम से जानते हैं।
राजा गणपति को परास्त किया। तो यहाँ तक की कहानी आपने देखी और आगे की कहानी मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, आगे की कहानी हम दिखाते हैं रियल कोणार्क मंदिर में चल के। तो बने रहिए अपने साथ में, चलते हैं फिर आगे। जो असली स्टोरी है वो यहाँ के गाइड के से सुनेंगे, उनके मुख से सुनेंगे। तो हम लोग यहाँ निकल गए हैं बाहर, पिक्चर ख़त्म हो चुकी है, वो जो शो चल रहा था हमने समझा कोणार्क की स्टोरी को। और ये देखिए बाहर आ गए, कितना ब्यूटीफुल, अपराजिता के फ्लावर्स खिले हुए हैं और हमने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लिए। और इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग निकल के, ये देखो पानी पी रहे हैं हम लोग, ठंडा पानी, नींबू पानी एक्चुअली। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं नींबू पानी पीने के बाद में अभी कोणार्क मंदिर देखने के लिए। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए असली कोणार्क मंदिर कितना खूबसूरत है, जो कहानी से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें अगले वीडियो के लिए। थैंक यू।